हेलो एवरीवन, आज है 11 अप्रैल 2022। मार्केट थोड़ा गिरा हुआ है जिसके कारण से विक्स हल्का सा बढ़ा हुआ है। सुबह सुबह समथिंग 7.5% के आसपास बढ़ा हुआ था, अभी भी 6.31% है, जो अच्छा है। मतलब एज अ ऑप्शन सेलर जब विक्स बढ़ता है तो हम जब ऑप्शन स्टॉक सेलिंग करते हैं तो थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है, उसमें उम्मीद रहती है ज़्यादा मिलने की। ठीक है, तो सौदा हमें ऐसा बनाना है कि हमारा हम विक्स का फायदा उठा पाएं, क्योंकि जब विक्स कूल डाउन होगा तो विक्स का जो फेवर है वो हमें एक्स्ट्रा पैसे देके जाता है। तो राइट नाउ हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जो डेल्टा न्यूट्रल हो, थीटा पॉजिटिव तो रहेगी और वेगा तो नेगेटिव रहने ही है। तो जैसे वेगा वापस नीचे आएगा तो वेगा भी हमारा हाई फेवर में आएगा। ठीक है, तो मैं तो रेशियो प्रेफर करता हूँ, बट फिर भी कई लोगों को, चूंकि 90,000 से 1 लाख के आसपास का रेशियो में फंड लगता है, तो कई लोग उसको हेज करने के लिए बोलते हैं। तो अपने एक हेज स्ट्रेटजी देखते हैं। चाहे तो आप बटरफ्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप स्किप बटरफ्लाई कर सकते हैं, या फिर कहो ब्रोकन विंग बटरफ्लाई कर सकते हैं। तो जो ब्रोकन विंग बटरफ्लाई मेरे को सही लग रही है फिलहाल में, कम रिस्क में ज्यादा, मतलब कम रिस्क में आप जिसमें होल्ड कर सकते हो, वो है 17,850। 17,850 का एक कॉल बाय, इसके अगेंस्ट में 150 कॉल आगे, मतलब 18,000 के 2 कॉल सेल, और उसके बाद 18,150 की जगह 50 गैप और आगे 18,200 का एक कॉल बाय। ये आप करेंगे तो समथिंग 40,000 के आसपास आपका मार्जिन लगना चाहिए। मैक्सिमम रिस्क डाउन साइड में रहेगा 10 पॉइंट्स का, जो है 500 रुपये, 500, 520, 550 से ऊपर नहीं लगेगा डाउन साइड में, अगर मार्केट कितना भी गिर जाए। अपसाइड जाता है तो चूंकि जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आपका विक्स नॉर्मली घटेगा, कहते हैं समय जाएगा, तो आपको समथिंग अराउंड, मतलब जैसे मैं भी कहता हूँ कि भाई 40,000 है तो 400 रुपये, या फिर कह लो 10 पॉइंट, 10 पॉइंट मतलब 500 रुपये होता है, 1% के लिए आप करें। अगर उस वक्त ऐसा, अगर आपका डेल्टा न्यूट्रल रहे और आपका विक्स भी आपके फेवर में रहे, तो आप चाहें तो उसको होल्ड करिएगा, है ना। जो इनिशियल आपका जो टारगेट होना चाहिए 1% का होना चाहिए, मीन जैसे आपको इस स्ट्रेटजी में 500 रुपये मिले आप एग्जिट कर सकते हैं, या फिर उस वक्त ग्रीस को देख के अगर आपको लग रहा है कि पोजीशन आपकी डेल्टा न्यूट्रल अभी भी है, या आप सौदे में बने रहना चाहते हैं तो बने रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है, कम लॉट्स हैं तो कम लॉट्स में आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बड़े लॉट अगर होते हैं जब ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं तो 1 से 1.5% आने पर निकल जाना ही बेहतर रहता है। तो चलिए इसका मैं स्ट्राइक्स आपको एक बार बता देता हूँ कि आपकी इसकी स्ट्राइक्स कैसी कैसी रहेंगी। कहाँ गया भाई? हाँ जी, मैंने आपसे कहा कि हम एक डेल्टा न्यूट्रल स्किप बटरफ्लाई बनाने वाले हैं, जो है 21 अप्रैल एक्सपायरी का, 17,850 21 अप्रैल का एक कॉल आप बाय करेंगे, इसके अगेंस्ट 18,000 21 अप्रैल के आप 2 कॉल सेल करेंगे, और उसके बाद इसको हैच करने के लिए, देखिए ये रेशियो है, रेशियो में समथिंग कितना आपका 1,07,000 रुपये लग रहा है। अगर आप इसको हेज करते हैं और 18,200 का एक कॉल बाय कर लेते हैं तो ये आपका 40,000 के आसपास, देखिए 38,000 का आपका मार्जिन लग रहा है। ठीक है, डाउन साइड में आपका इसमें ज्यादा रिस्क नहीं है, बमुश्किल आपका 500-600 रुपये से ऊपर का रिस्क इसमें रहेगा नहीं। हाँ जी, देखिएगा डाउन साइड में, देखिए 523 रुपये के आसपास का इसमें मैक्सिमम रिस्क है, मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल 6,000 या 900 रुपये का है, जहां तक हम रुकने नहीं वाले। हमारा टारगेट तो 500 से 600 रुपये इनिशियल रहेगा, उसका फिर डिपेंड करेगा। ग्रीक्स की अगर हम बात करें, देखिए डेल्टा प्योर न्यूट्रल है, थीटा आपका पॉजिटिव रह गई और वेगा आपका नेगेटिव है। तो जैसे ही विक्स डाउन होगा, जैसे ही विक्स कूल डाउन होगा, तो ये आपका जो विक्स है, जो निगेटिव है, ये आपको क्या आता है, फायदा आपको होने लगेगा पर 1% डिक्रीज में। तो दोनों मिला के आपको नेट नेट आपको 600 रुपये के आसपास चाहिए हैं, जो डिपेंड करता है, हो सकता है आज की डेट में अगर विक्स पूरा कूल डाउन हो जाए और निगेटिव चला जाए, या फिर जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा या रुकेगा आपको इसमें पैसा धीरे धीरे मिलता रहेगा। अगर मार्केट ज्यादा नीचे गया तो हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे। ऑल राइट, तो ये सौदा आप बना सकते हैं, बहुत ही शानदार सौदा है, रिस्क इसमें कम है और इसमें आप रुके रह सकते हैं। कोशिश करिए कि ऑप्शन में बनाइए, या फिर आप चाहें तो पर्सनल अकाउंट में भी बना सकते हैं,
जैसा भी हो एक बार आप ट्राई करके देखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।